राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैंने जाते जाते एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल है आपको पता ही है, हमें आखिरी अपॉर्चुनिटी मिल ही गई थी कहा कि, तो हमने मैंने उनसे पूछा कि, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने इंसिस्ट किया कि देखिए अभी 36 घंटे हैं, आज शाम को उनका टेस्ट होगा, कल सुबह टेस्ट होगा, तो आप ये मत मानिए कि वो रूल आउट हो चुके हैं रोहित शर्मा। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि अगर आप रोहित शर्मा को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने पिछले एक सवा महीने में, मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के नाम पे वो एक इनिंग खेली थी, क्योंकि दूसरे दिन जो लेस्टर के साथ, या लेस्टर में, लेस्टर के साथ तो नहीं बोल सकते हैं, लेस्टर में जो इनिंग्स खेली थी, फर्स्ट इनिंग्स खेली थी, दूसरे दिन वो पॉजिटिव हो गए, उसके बेसिस पे अगर आप रोहित शर्मा को खिला सकते हैं, तो मयंक अग्रवाल को आप दो प्रैक्टिस सेशन के बेसिस पे नहीं खिला सकते हैं। राहुल द्रविड़ का जवाब था, अब मुझे नहीं पता कि वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे थे, मतलब उनका जवाब था, उन्होंने यूं थम्स अप दिखाया, अब मुझे नहीं पता कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात को, या वो मतलब दैट वाज अ सरकास्टिक जेस्चर कि भाई ये है। हालांकि पता हमें भी है कि पुजारा ही ओपन करेंगे मोस्ट लाइकली, बट नेवर से नेवर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को हमने और भी के साथ, मतलब वी सीन स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के साथ, आ सकते हैं वो। और राहुल द्रविड़ तो क्योंकि जानते भी होंगे, उनको अच्छे से जानते होंगे कि उनकी एबिलिटी क्या है, मे बी उनको लगता हो कि मैं इनसे बेहतर निकाल सकता हूं, तो वो है। बट आपने इंग्लैंड की 11 देखी है? नहीं, मैं फिलहाल नहीं देख पाई। मैं आपको बताता हूं, एलेक्स लीज और जैक क्रॉली उनके ओपनर हैं, ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका जब से एलिस्टर कुक गए हैं वो माजरती है, ठीक है, बट शुरू अब इंग्लैंड की टीम शुरू होती है, मतलब बेसिकली आप मान लीजिए उस कितने 9 प्लेयर के साथ, ओली पोप जिन्होंने पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में 100 था और एक आई थिंक उनका एक 80 के आसपास मारा था, मतलब आप बोल सकते हैं अच्छी फॉर्म में है, अच्छा कॉन्फिडेंस है। नंबर 4 पे जो रूट, बताने की जरूरत नहीं है उन्होंने पिछले 2 साल 1.5 साल में क्या किया है। नंबर 5 पे उनके आ गए बेन स्टोक्स, 5-6 पे आ गए स्टोक्स और बेस्टो, या बेस्टो और स्टोक्स आ गए, ठीक है, बेस्टो का तो खैर भूल ही जाइए, जो तबाही मचाकर आ रहे हैं, वो सुनामी लेकर आए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद बेन स्टोक्स अच्छी खासी फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस उनका भी हाई होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सैम बिलिंग्स आ गए हैं बेन फोक्स की जगह, क्योंकि बेन फोक्स कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो सैम बिलिंग्स का कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि हमें पता है वो भी एक अटैकिंग बैट्समैन है। उसके बाद आ गए उनके सैम बिलिंग्स हो गए, उसके बाद आ गए उनके फास्ट बोलर्स आ गए स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन वापस आ गए, थर्ड टेस्ट खेले नहीं थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जैक लीच उनके एक स्पिनर हो गए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और मैथ्यू पॉट्स, ये 4 उनके, मैथ्यू पॉट्स पिछली सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 14 विकेटें ली थी उन्होंने। तो मतलब ये है कि अगर इन 9 प्लेयर्स की मैं बात करूं, सारे इनफॉर्म हैं और कॉन्फिडेंस भी सबका हाई होगा। सैम बिलिंग्स के लिए हालांकि बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता है, बट बाकी देखिए सबने कुछ ना कुछ किया है। देखिए ये जबरदस्त है इंग्लैंड की टीम, आपको याद होगा मोइन अली ने क्या कहा था कि अगर आप मेरे से एक, जब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 1-2 महीने पहले पूछते मैं कहता इंडिया जीत जाती, लेकिन अब जो इंग्लैंड की टीम खेल रही है मैं इंग्लैंड को फेवरेट मानूंगा। टेस्ट क्रिकेट खेलते भी आ रहे हैं, कंडीशन से भी वाकिफ है, इंडियन टीम अंडर कुक्ड है ज्यादातर लोग कह रहे हैं, काफी समय से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला, तो सारी चीजें इंग्लैंड के पक्ष में है। लेकिन 2 चीजें राहुल यहाँ पर मुझे लगता है, एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से बेहतर है, खासतौर पर अगर दोनों स्पिनर्स खेलते हैं तो आप वो आक्रामक क्रिकेट नहीं खेल सकते। दूसरी बात यह है, ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है ना, बहुत दिन अच्छा लगेगा लेकिन कुछ दिन ऐसे आएंगे कि बहुत ही एम्बैरेसिंग लगेगा उनका परफॉर्मेंस, यानी कि एक पारी ऐसे हो सकती है जहां पे शायद 100 के अंदर भी निपटे टीम, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब एडलेड वाला दिन हुआ, इसलिए क्योंकि आपने कुछ ज्यादा ही जोखिम उठाए, तो अगर ये सब चीजें हुई तो एम्बैरेस भी कर सकता है। और मुझे लगता है इंडियन बोलर्स के खिलाफ अगर आप वही रणनीति अपनाओगे कहीं ना कहीं आप परेशानी में आओगे, तो ये बहुत एक्साइटिंग होगा। मैं देखना चाहता हूँ इंडिया अपना जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेस्ट क्रिकेट है वो खेले विद फुल पावर फायर पावर उनकी गेंदबाजी, चाहे इंग्लैंड इस अंदाज में खेले, फिर असली इम्तिहान होगा इंग्लैंड की इस टेम्पलेट का। तो मतलब ठीक है इंग्लैंड को मैं एज दूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया। और आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम बिल्कुल नहीं चांस दे रहे थे इंडियन टीम को, उन्होंने क्या किया, क्या पता यहां पर भी वैसा करे। सिर्फ एक चीज को लेकर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि अब आपने, चले डिसाइड हो गया कप्तानी आप अब छोड़ दे, जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, सब उनको बैक करेंगे, अच्छे खिलाड़ी है, और मैं तो
हमेशा कहता हूँ गेंदबाजों को आप कप्तान बनाए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो क्योंकि देखिए ये तो एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना, एक ही मैच अभी वो करेंगे, अब मैं ये बहुत मैटर करता है कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में, तो होप करूंगा ये एक्सपेरिमेंट फायदेमंद हो भारतीय टीम के, क्योंकि यहाँ पे कहीं एक दो चीजें चूक हो जाए, क्योंकि उन्होंने कभी आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी नहीं की, किसी फॉर्म में थोड़ी चीजें इधर 19-20 हो जाएंगी तो टेस्ट मैच पे असर पड़ सकता है, तो मैं इस चीज को लेकर थोड़ा घबराया हुआ हूँ कि एक न्यू कप्तान होगा इस अहम टेस्ट मैच में। मुझे नहीं पता आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट है या आपको भी कुछ हिचकिटाहट है। नहीं मुझे देखिए कप्तानी क्योंकि एक वन ऑफ टेस्ट है ना, कल द्रविड़ ने भी ये बात कहीं ना कहीं मानी है कि ऐसा होता है ना सडनली आपको बोला जाए जी एक ही टेस्ट मैच खेलना है, स्पेशली इंग्लैंड जैसी कंडीशन में वो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी ऐसी नहीं है टॉप क्लास। इंग्लैंड देखिए क्या प्रिपरेशन, वो एक टॉप क्वालिटी साइड के साथ खेलकर आ रही है। पिछले साल भी जब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने गए थे तो न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड के साथ दो टेस्ट मैचेस खेल के तैयार बैठा हुआ था। हमने हाँ हमसे कुछ खामियां भी हुई, टॉस के वक्त हमें से कुछ खामियां हुई, हमारी 11 जो थी हमने पूछा कि आप 11 रखेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें संजय बांगर आए थे, भरत अरुण आए थे, उन्होंने कहा नहीं हम बदलेंगे ही नहीं अपनी, यार विक्रम राठौर आए थे उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है अपनी 11 बदलने की, तो उन्होंने अपनी 11 भी नहीं बदली थी, वो अलग रही। बट मुझे लगता है लैक ऑफ प्रिपरेशन रहा सवाल तेज गेंदबाज का ना, वैसे तो मैं मानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तेज गेंदबाज हो या बैट्समैन हो, दिमाग होना चाहिए अच्छा, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। बट कभी कभार क्या होता है कि तेज गेंदबाज के साथ ये हो सकता है कि, और स्पेशली अगर वो इतना अच्छा गेंदबाज हो, लगता है ना हमें कि यार ये तो मैं कर सकता हूं, मैं तो ये भी कर दूंगा, मैं इसका विकेट ले लूंगा, मैं उसका विकेट ले लूंगा, मैं सबको उड़ा दूंगा, तो उसमें क्या होता है आप कभी कभार अपने आप को ओवर बोल कर सकते हैं, या फिर आप ये सोचे कि नहीं यार कहीं ये लोग ये ना सोचे कि यार मैं ज्यादा बोले, तो आप अपने आप को अंडर बोल भी कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को और आपका जो पूरा बोलिंग यूनिट है उसको आपको जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, तो वही एक डाउट है मुझे। बाकी थोड़ा सा ना वन ऑफ टेस्ट वाला थोड़ा ये ट्रिकी है, और ऊपर से आपकी प्रिपरेशन।